जो प्रदेश कार्यकारिणी का मीटिंग हमीरपुर में संपन्न हुई, इस बैठक की अध्यक्षता विद्यार्थी परिषद के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल जी और उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री प्रदेश कार्यकारिणी जो हमीरपुर में हुई, इसमें जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्य हुए उसकी कार्यों की इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में जो हमारा शैक्षणिक वर्तमान इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में जो हमारा शैक्षणिक वर्तमान जो बच्चे उस पेपर में रह गए थे उन्होंने रिवोल्यूशन के फॉर्म भरे थे, पर बड़े दुख की बात है कि अभी तक बच्चों को 5-6 महीने बच्चों को हिमाचल प्रदेश के बाद जो पेपर जाना था बीए का 5000 पेपर जाने थे बीए के, जो अभी तक 2000 पेपर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पास पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि 3000 पेपर अभी तक चेक नहीं हुआ है। जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का अपनी इस बात पर नाकाम साबित होती है, नवनी विश्वविद्यालय में और पालनपुर विश्वविद्यालय में जो लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है, हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द कम किया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन जिला के अंदर जो ये प्रेस वार्ता की, इसके अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ जो मुद्दे संज्ञान में लाना चाहते थे, जिसमें रिवॉल्यूशन का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों ने 5-6 महीने पहले रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था पर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें भी विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश विश्वविद्यालय जल्द से जल्द जो ये रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है इसको घोषित करे, ताकि जो विद्यार्थियों के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं ये 2 साल बर्बाद होने से बचें। हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रदेश सरकार कहती है कि हम प्रदेश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, पर प्रदेश के अंदर अगर सड़कों की हालत देखा जाए तो सड़कों की हालत खस्ता हालत है, इसमें गड्ढे और कई प्रकार के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये सड़कें हैं इसको ठीक किया जाए, जो उसमें गड्ढे हैं इस जो इसकी खस्ता हालत है इसको ठीक किया जाए। विद्यार्थी परिषद कहती है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय नौणी व पालमपुर विश्वविद्यालय है, जो इसके अंदर लगातार फीस वृद्धि हो रही है, और विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार को कहती है कि जो गरीब बच्चा है जो इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ना चाहता है पर फीस अधिक होने के कारण वो इस विश्वविद्यालय के अंदर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए जो ये फीस वृद्धि जो इस विश्वविद्यालय के अंदर हुई है उसको कम किया जाए, ताकि गरीब बच्चा भी इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े। फीस वृद्धि कम नहीं होती है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी।